So a very good morning to all servicians. Myself Subhashish Sarkar from SHPL Education System. और SHPL की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इस अनोखे प्रोग्राम में. डैजलिंग दिसंबर चल रहा है और डैजलिंग दिसंबर के इस हफ्ते का पहला वेबिनार आज है. और दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक्साइटिंग एक टॉपिक है, बिकॉज इस डैजलिंग दिसंबर का हर मंडे एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलने वाला है. और उसी के साथ ये जो टोटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को हम लोग जान गए हैं, जान रहे हैं. जो लोग आज नए हैं उनके लिए भी ये एक नया चीज होगा इसको जानने के लिए. और जो हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फिर हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग में फूड सप्लीमेंट को लेके काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उन लोगों के लिए भी आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है. सो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन सबके लिए जरूरी है तो अभी भी समय है, फोन उठाइए, व्हाट्सएप या फोन कॉल करके सबको जगा दीजिए. जागो इंडिया जागो का नारा लेके ये प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था और आज भी वैसा ही करना है, सबको जगा देना है. क्योंकि आज जगेंगे तो कल आपका जगा रहेगा, नहीं तो कल सोया हो जाएगा. सो दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. यस नयन सर गुड मॉर्निंग, यस बॉबी सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग निर्मला जी, यस सो अगराज जी, अजय अभिजीत नायक ओडिशा से गुड मॉर्निंग. तो बहुत सारे लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आज जुड़े, बिकॉज आज जो टॉपिक के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं ये कोई प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, कोई भी सप्लीमेंटेशन के लिए या सप्लीमेंट्स को लेके आज बात नहीं होगा, बल्कि फूड सप्लीमेंट साइंस को लेके बात होगा. जो बेसिक नॉलेज है फूड सप्लीमेंट का, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्यों है, ये प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. सो और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर. ये जो साइंस है, ये साइंस हम लोग अक्सर लोग नहीं जानते हैं. तो नहीं जानते हैं इसीलिए ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट्स बन जाते हैं मेडिसिन. और जैसे ही हम एक पेशेंट को या एक कस्टमर को प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करते हैं तो हम लोग बन जाते हैं डॉक्टर और वो कस्टमर बन जाता है हमारा पेशेंट. और एज ए डॉक्टर हम लोग उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. और बाकी का जो दिक्कतें आते हैं वो सब दिक्कतें किसको झेलना पड़ता है मालूम है? वो सारे दिक्कतें झेलना पड़ता है हम लोगों को. बिकॉज जब आप डॉक्टर बन जाते हो और आप एक पेशेंट को कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो प्रोडक्ट का जो इनर साइंस है इसको ना जानते हुए, प्रोडक्ट का जो इनर जो मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसको ना जानते हुए, प्रॉपरली डायग्नोज ना करते हुए जब प्रोडक्ट को हम लोग सजेस्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं. कस्टमर दो दिन चार दिन पांच दिन एक महीने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अरे भाई तुमने ये दिया तो ये हो गया, वो दिया तो ये हो गया, ये रैश निकल आए, ये पेट में दर्द शुरू हो गया, ये वो हो गया, वो हो गया, बोलते या नहीं बोलते बोलिए आप. तो फिर उसके बाद जो भी कुछ चीजें होते हैं उसको झेलना पड़ता है हम लोगों को. बिकॉज आपका फोन तभी मेरे पास चला आता है या कोई भी ट्रेनर के पास चला आता है, सर मैंने ये दिया था तो ये हो गया, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया. तो इसीलिए मैं हमेशा से मेरा ये कोशिश रहा है कि आप लोग प्रोडक्ट को जरूर जानिए, लेकिन उससे पहले जो चीज को जानिए वो है फूड सप्लीमेंट को जानिए. ये फूड सप्लीमेंट है क्या, ये फूड सप्लीमेंट साइंस है क्या. तो चलिए दोस्तों हम सभी आई थिंक रेडी हो गए हैं
आज के इस प्रोग्राम को लेने के लिए। और आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग फूड सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे, फूड सप्लीमेंट साइंस को जानेंगे। अगर किसी के पास नोटबुक है, सामने कलम है, कागज है, तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर पॉसिबल है, जो लोग घर में बैठे सुन रहे हैं, आप लोग जरूर एक कागज कलम साथ में रखिए, बिकॉज बहुत नया कुछ जो पीपीटी में नहीं होगा लेकिन मैं बताते रहूंगा, राइट? सो यस, तो आज जितने सारे नए लोग हैं इनके लिए या फिर आपके टीम से जो नए लोग जुड़े हैं इनके लिए तो आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। आप भी देखिए, सीखिए और इसको ऐसे ही अप्लाई कीजिए, राइट? सो दोस्तों, आज बताऊंगा हेल्थ केयर विथ एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा टोटली फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, और सेकेंडली लास्टली मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो हम जनरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कोई भी बीमारी नहीं है तो हम लोग क्या यूज करें, या फिर जनरल हेल्थ के लिए क्या यूज करें। तो उन लोगों के लिए भी आज मैं बताते रहूंगा, कुछ प्रोडक्ट बताते जाऊंगा जो हम जनरली ऐसे ही ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास बहुत सारा ये क्वेश्चन आते हैं कि एक डिजीज के लिए, जैसे डायबिटीज के लिए या फिर कोई भी डिजीज के लिए हम लोग तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद जब डायबिटीज ठीक हो जाता है या कोई भी बीमारी ठीक हो जाता है सर्वश्री के प्रोडक्ट यूज करते हुए, उसके बाद क्या यूज करें ताकि वो बीमारी फिर से लौट के नहीं आए या हम लोग स्वस्थ रहे, तो इसके लिए भी हम लोग मतलब आज मैं प्रोडक्ट्स बताते जाऊंगा। तो आप एंड तक रहिए, लोगों के पास अभी भी समय है, इंफॉर्मेशन को भेज दीजिए और आज का इस प्रोग्राम का मजा उठाइए। सो सबको पूछना चाहूंगा, क्या हम सभी रेडी हैं आज के प्रोग्राम को लेने के लिए या आज के प्रोग्राम को एब्जॉर्ब करने के लिए? यस आयशा, थैंक यू। पूनम जी हैं, थैंक यू। ओके, सो दोस्तों, हेल्थ केयर विथ एसएचपीएल प्रोडक्ट्स। तो हेल्थ केयर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाट इज हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस, स्वस्थ एंड स्वस्थता, ये क्या है? सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू WHO, वेलनेस इज बेस्ड ऑन फोर क्वाड्रंट्स। वेलनेस चार क्वाड्रंट में बटे हुए हैं। पहला है आपका फिजिकल वेलनेस, सेकेंड है आपका मेंटल वेलनेस, थर्ड है आपका इकोनॉमिकल वेलनेस एंड फोर्थ है आपका स्पिरिचुअल वेलनेस। सो ये चार वेलनेस, फिजिकल वेलनेस शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता मेंटल वेलनेस, इकोनॉमिकल वेलनेस या फिर आपका आर्थिक स्वस्थता एंड स्पिरिचुअल वेलनेस या आध्यात्मिक स्वस्थता। आध्यात्मिक स्वस्थता का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत आस्तिक हो जाना या भगवान का पूजन करना, ऐसा नहीं है। मतलब आप स्पिरिचुअली, आप मन से कैसे हो, तो ये स्वस्थता भी हेल्प करेगा आपको वेलनेस लाने में। एंड वेलनेस को तो हम चार क्वाड्रेंट में समझ गए, लेकिन व्हाट इज हेल्थ? तो अकॉर्डिंग टू BKS आयंगर, ये हेल्थ को लेके काम करने वाले हमारे इंडिया में एक बड़ा नाम है, सो उनके हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से, जब आपका बॉडी, आपका माइंड एंड आपका स्पिरिट, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका मन, आपका माइंड एंड आपका स्पिरिट, आपका आत्मा, ये तीनों चीज एक बैलेंस पोजीशन में हो, एक हार्मनी पोजीशन में हो, तब भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब वो जो मैं वेलनेस के लिए कहा, आपका फिजिकल वेलनेस, आपका मेंटल वेलनेस, आपका स्पिरिचुअल वेलनेस एंड आपका इकोनॉमिकल वेलनेस। तो आयुर्वेदा क्या कह रहा है? आपका शरीर, आपका मन और आपका आत्मा, ये तीन चीज जब एक इक्विलिब्रियम में हो, एक मतलब समानता में हो, एक बैलेंसिंग पोजीशन में हो, तब भी दोस्तों हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो हमारा बॉडी
बॉडी को शारीरिक रूप से या वाच्यिक रूप से कोई भी बीमारी ग्रस्त वो ना हो, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उनको ना हो, कोई भी चोट उनको ना पहुंचे, कोई भी एक्सीडेंट से कोई भी अंग हानि ना हो, तो फिजिकल वेलनेस ये रहा। और मानसिक वेलनेस या माइंड को सही रहना है, सो आपका मन को शांत होना है, आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी लाना है, आपके मन को हमेशा स्थिर रहना है, एंड उसी के साथ स्पिरिट आपका जो आत्मा है, आत्मा को हमेशा शुद्ध आत्मा रहना चाहिए, कोई भी नकारात्मक चिंता उनके अंदर ना हो, कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी गलत सोच आत्मा के अंदर ना हो, तो आत्मा हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तो ये तीन चीज जब हेल्दी कंडीशन में आ जाएगा तब भी दोस्तों हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अब इसमें भी देखिए कितनी सुंदर सा बात है, पहला आता है बॉडी, पहले ही बॉडी के लिए बोला गया है, राइट? सो बॉडी के लिए बोला गया है क्यों? बिकॉज बॉडी इज आवर आउटर, क्या मैं बोल सकता हूँ, आउटर बाउंड्री, ठीक है? सो बॉडी में अगर कोई भी दिक्कतें होंगे तो आपके मन में इफेक्ट करेगा, अगर मन में इफेक्ट करेगा तो आपका स्पिरिट भी दूषित होगा। सो बॉडी को पहले हेल्दी रहना चाहिए। बॉडी में मान लीजिए आपके हाथ में चोट आ गए तो आप मन से दुखी हो जाएंगे, मन से अगर दुखी हो जाएंगे तो बहुत सारे नकारात्मक चिंता या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, तो ये तीन चीज ही गलत हो जाएगा तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे। मतलब बॉडी माइंड एंड स्पिरिट या सोल, ये बॉडी माइंड सोल ही आपका प्रदूषित हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, तो आप ओवरऑल अनहेल्दी हो जाएंगे। अगर बॉडी सही रहा तो माइंड भी सही रहता है। फिर देखिए माइंड अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, माइंड में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब कोई आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई प्रिय जन जो गुजर गए, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब मन से आप बहुत दुखी हो, तब देखिएगा आपके बॉडी में भी ये इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत मायूस हो, अगर आप बहुत दुखी हो, तो देखिएगा आपका, आपको भूख नहीं लगेगा, आपके बॉडी शेक करने लगेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, आप मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आप पूरा, आपका बदन लाल हो जाएगा, आप कांपने लगेंगे, होता है ना, आप शिवरिंग करेंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। सो अगर माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तब भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, बॉडी और माइंड किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आपका सोल भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा। तो हेल्दी अगर रहना है तो बॉडी माइंड सोल, ये तीन चीजों को सही बैलेंसिंग पोजीशन में रखना है। और सबसे पहले बॉडी का जिक्र किया गया या फिर फिजिकल वेलनेस की जिक्र किया गया, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेलनेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे। माइंड एंड सोल ये तो दूसरी बात है, एज अ सर्टिफाइड बॉडी माइंड सोल वेलनेस कोच मैं आपको आज सिर्फ बॉडी के ऊपर बात करूंगा, बाद में अगर किसी दिन मौका मिले तो माइंड एंड सोल के ऊपर भी बात करूंगा। सो बॉडी को या फिजिकल वेलनेस को अगर आपको बरकरार रखना है तो दोस्तों, बॉडी माइंड सोल को अगर करना है तो आपको पहले बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, और बॉडी के ऊपर अगर ध्यान देना है तो बॉडी को खाना पहुंचाना है, ना कि आपके जीव को या टंग को। आपका जो जीव है, ये जीव को खाना देके कोई लाभ नहीं है, आपको खाना खिलाना है आपके बॉडी को। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग या हमेशा हम लोग अपने जीव को खाना खिलाते हैं, मतलब कौन सा खाना टेस्टी है, राइट? सही बोल रहा हूं या गलत? कौन सा खाना टेस्टी है, कौन सा खाना हमारे जीव को अच्छा लग रहा है, वही खाना हम लोग खाएंगे। लेकिन जो खाना हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो खाना हम लोग नहीं खाएंगे, है ना। सो अभी अगर बॉडी के लिए आपको खाना देना है या खाना खाना है, सो अभी आप बोलिए बॉडी को कितने खाने की जरूरत होता है, क्या क्या खाना का जरूरत होता है, मेरा बॉडी क्या खाता है। मेरा जीव तो बहुत कुछ खाता है, मेरा जीव बहुत कुछ खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी जंक फूड फास्ट फूड, है ना,
मोमो चाउमीन एग रोल और मटन चिकन फिश बहुत कुछ खाता है अंडा मेरा जीव लेकिन इनमें से मेरा बॉडी क्या क्या खाता है मेरा बॉडी सिर्फ 6 मेजर टाइप का खाना खाता है 6 मेजर टाइप्स ऑफ फूड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं जो भी हम एनिमल खाते हैं मांस मच्छी या फिर यस निर्मला जी वर सो राइट सो जो भी हम लोग मीट खाते हैं फिश खाते हैं अंडा खाते हैं दाल चावल पल्सेस खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन्स हमारे अंदर जाते हैं जो भी हम फल खाते हैं उनमें से सब्जी खाते हैं मिनरल्स विटामिन्स हमारे अंदर जाते हैं जो भी हम ब्रेड्स या चावल या रोटी ये सब कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं इनमें से कार्बोहाइड्रेट जाता है शरीर में जो भी हम लोग तेल या बादाम के रूप में जो भी हम लोग खाते हैं उनमें से हेल्दी फैट्स जाते हैं हमारे अंदर और वाटर और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज फाइबर्स हमको चाहिए सो ये जो 6 or 7 मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को बहुत जरूरी है हमारे बॉडी को फिट करने के लिए राइट लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है आज के डेट में सब कुछ टॉक्सिकेटेड हो चुका है हम लोग सभी टॉक्सिकेटेड हो चुके हैं तो दोस्तों फल फूल या खाने में भी टॉक्सिन्स भरे हुए हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर जो चीज जा रहा है वो है टॉक्सिन राइट सो ये जो टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है ये क्या करता है शरीर के अंदर दो चीज करता है क्या पहला व्हाट इज द रिजल्ट मतलब ये जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जा रहा है ये क्या करता है पहले तो ये जो टॉक्सिन्स हम लोग ले रहे हैं फल फूल हमारे खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स जाना चाहिए था वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं बल्कि टॉक्सिन्स भरे भरे जाते हैं सो ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग नहीं पाते हैं हमारे डेली फूड से तो हमारा सब कुछ लो हो जाता है बैटरी डाउन हो जाता है सो व्हाट इज द रिजल्ट इज टॉक्सिन डिपोजिशन इन द बॉडी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन डिपोजिट्स होते हैं टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर डिपोजिट होते हैं जमते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में जमता है और जमने के बाद क्या करता है मालूम है जमने के बाद जो चीज करता है हमारे सेल को डैमेज करता है और सेल को डैमेज करता है मतलब फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर के अंदर पैदा करता है अब ध्यान से सुनिएगा ये जो 1-2 मिनट में बोलूंगा ये ध्यान से सुनिएगा बिकॉज फ्री रेडिकल क्या है स्पेशली बहुत सारे लोगों को पता है बिकॉज मैंने बहुत बार बोला है इसको लेकिन जो नए लोग हैं आज नए जुड़े हैं आप प्लीज समझ जाइए इस बात को तब भी आप फूड सप्लीमेंट का असली जो महत्व है उसको समझ पाएंगे सही से फूड सप्लीमेंट सजेस्ट कर पाएंगे या लोगों को बोल सकेंगे राइट सो ये जो फ्री रेडिकल है ये कुछ भी नहीं है ये हमारे शरीर के अंदर पैदा हुआ कुछ अनहेल्दी सेल्स हैं कुछ एबनॉर्मल सेल्स हैं ये कैसे पैदा होते हैं जब ये टॉक्सिन्स मतलब बाहरी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हेवी मेटल्स या फिर धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया बहुत कुछ हो सकते हैं सो ये जब हमारे शरीर के अंदर पलते हैं या जमा होता है तब शरीर के अंदर जो सेल्स रहते हैं कोशिकाएं रहते हैं वो कोशिकाओं को इफेक्ट करता है मान लीजिए ये एक कोशिका है मेरे माउस पॉइंटर को देखिए ये एक कोशिका है सो ये कोशिका के अंदर हमेशा मतलब इवन नंबर में एटॉम्स रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए मतलब 2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा 8 रहेगा कभी भी 3, 7, 9 ऐसा नहीं रहेगा 2, 4, 8, 10, 12 ऐसा रहेगा लेकिन जब ये टॉक्सिन्स ये बाहरी जो केमिकल्स है ये जब हमारे सेल के संस्पर्श में आता है तब क्या करता है शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है जैसे एक लोहे को अगर मैं खुला छोड़ दूं हवा में उसमें पानी भी गिर रहा है तो लोहे में जैसे जंग पड़ जाता है लोहा क्या होता है मतलब वो अलग हो जाता है वो जंग पड़ जाता है राइट लोहा दुर्बल हो जाता है
तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है, लोहे का जो एटम्स है वो छोड़ देता है, वो बॉन्डिंग छोड़ देता है। तो ऐसे ही सेल के अंदर क्या होता है, ये जो एक मॉलिक्यूल है, देखिए ये एक फ्री रेडिकल है, पास में देखिए ये एक फ्री रेडिकल है, ऐसे भयंकर मुंह बनाए वाला, ये फ्री रेडिकल है। तो इसमें दो रहना चाहिए था, लेकिन एक एटम इसने छोड़ दिया ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये कोशिका एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो इसमें क्या हो गया, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो ये सेल मरा नहीं, ये सेल जिंदा है, लेकिन ये सेल एबनॉर्मल बन चुका है, पागल बन चुका है, राइट। और ये पागल बन चुका है मतलब क्या हुआ, इसका जो काम था, मतलब नेचुरली इसको जो काम करना था बॉडी के अंदर, ये अब नहीं करेगा, ये उल्टा काम करेगा। और इसी फ्री रेडिकल की वजह से बॉडी में सारे रोग आते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दूसरे सेल से लेने की कोशिश करेगा, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में। ये क्या करेगा, एक हेल्दी सेल है, हेल्दी एटम है, इससे क्या करेगा, एक एटम ले लेगा, लेके ये रख नहीं पाएगा, ये उसको नष्ट कर देगा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, इस एटम जो हेल्दी एटम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए ये भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को तैयार करता है, दोनों मिलके चार, चार मिलके आठ, आठ मिलके सोलह, सोलह मिलके बत्तीस, ऐसे आपके बॉडी के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जितना फ्री रेडिकल बढ़ेगा हमारे शरीर के अंदर, उतना हम लोगों को कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, स्टोमक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स के प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर ग्रो करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, जितना फ्री रेडिकल हमारे शरीर से शरीर में तैयार होगा। ठीक, तो मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ज्यादा जटिल तो नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है सभी को, या फिर मतलब और भी सरलता से आपको समझाओ, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत जरूरी है सर। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये तो गया पहला, ये टॉक्सिन डिपोजिशन का। और सेकेंड क्या होता है, एंड उससे क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से पैदा हो रहे हैं, इससे देखिए कितने सारे बीमारी आपके शरीर के अंदर आते हैं, कार्डियक फिब्रोसिस, हाइपरटेंशन, इस्केमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, मतलब हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपके शरीर में हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड, स्किन एजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एज हो जाना, सनबर्न, सोराइसिस, डर्माटाइटिस, मेलानोमा, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आपके शरीर में हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम, क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी, रेंटल ग्राफ्ट, नेफ्राइटिस आपके शरीर के अंदर ग्रो होता है ड्यू टू फ्री रेडिकल्स, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, रिमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट, लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, एस्मा, सीओपीडी, एलर्जी, कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन में प्रॉब्लम होते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन, एडीएचडी, राइट, माइग्रेन, स्ट्रोक, कैंसर, इम्यून सिस्टम में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और एक बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको हो गया तो वो मतलब आपकी जिंदगी तबाह कर देगा, बिकॉज आपका ही इम्यूनिटी सिस्टम, आपका ही प्रतिरक्षा शक्ति आपके विरुद्ध काम करेगा, आपके ऑपोजिशन में काम करेगा, मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम को आपको प्रोटेक्ट करना था वो आपका नुकसान करने के लिए तत्पर हो जाएगा, अगर एक बार हम लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गया बॉडी के अंदर। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है, इसलिए कितना भी मेडिसिन खा ले, कितना भी डॉक्टर्स को दिखा ले, कितना भी ट्रीटमेंट कर ले, उनको राहत नहीं मिलता है। ब्लड वेसल में प्रॉब्लम्स होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर या मल्टी ऑर्गन में, जैसे पैनक्रियास में प्रॉब्लम हुआ, डायबिटीज आपको आ गए, एजिंग, क्रॉनिक फैटीग, आईज में प्रॉब्लम होते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। लगभग 90% प्रॉब्लम आपको आएगा ड्यू टू फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल कैसे बनता है, टॉक्सिन डिपोजिशन से।
अब ये फ्री रेडिकल को आप कैसे हैंडल करेंगे, उसको कैसे आप रिमूव करेंगे फ्री रेडिकल को, वो क्या चीज है जैसे फ्री रेडिकल रिमूव होगा, रिमूव तो नहीं मतलब न्यूट्रलाइज होगा, एक हेल्दी एटम फिर से बनेगा, एक हेल्दी इलेक्ट्रॉन फिर से बनेगा, एक हेल्दी सेल फिर से बनेगा। एकमात्र वही उपाय है अगर हम लोग, मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, बिकॉज मेडिसिन बाहर का जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो मेडिसिन सिर्फ हमारे ऑर्गेन के ऊपर काम करता है, सिर्फ वो डिजीज के ऊपर काम करता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे, सेलुलर लेवल पे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए जो चीज हम लोगों को चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। और इसके बारे में भी हम सभी ने सुने हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक फ्री रेडिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, मतलब मैंने बोला ना ऑड नंबर पे चले आते हैं, जैसे मान लीजिए 10 था तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो फ्री रेडिकल हो गया, अभी उसका 9 इलेक्ट्रॉन आ गया। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये हेल्दी सेल को दे, मतलब ये सेल को दे देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट से एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री रेडिकल में आ गया तो इसका 9 इलेक्ट्रॉन फिर से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा, और ये फिर से एक हेल्दी स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा जो आपको नुकसान नहीं करेगा। समझ गए, एकमात्र यही उपाय है सेलुलर लेवल में फ्री रेडिकल को खत्म करने के लिए, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर एक बार फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज आपके बॉडी के अंदर हो गया थ्रू द या बाय द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की मदद से, तो दोस्तों कोई भी डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो, उससे निपटने के लिए हम लोगों के अंदर शक्ति आएगी, हम लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं सर? ओके, सो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसका काम हम लोग समझ गए। अभी ये एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा हर्बल फूड सप्लीमेंट से या हर्ब से, नेचर से, राइट। बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल फूड सप्लीमेंट वी कैन गेट एंटीऑक्सीडेंट टू रिमूव फ्री रेडिकल। अभी ये जो फूड सप्लीमेंट की बात मैंने बोला है, फूड सप्लीमेंट तो बाद में आता है, लेकिन जितने नेचुरल चीजें हैं, ये नेचुरल चीज से हम लोगों को मिलता है एंटीऑक्सीडेंट। अब इसमें भी बात है, नेचुरल चीज से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। अभी सर ने बोला है विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, राइट, सही है, विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब विटामिन सी का तो कैप्सूल भी मिलता है, विटामिन सी का तो मेडिसिन शॉप में कैप्सूल भी मिलते हैं, तो वो कैप्सूल खाने से क्यों एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्यों नींबू खाने से या ऑरेंज खाने से या कोई सप्लीमेंट खाने से हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा विटामिन सी से। मार्केट में, दुकान में, मेडिसिन शॉप में भी तो विटामिन सी का कैप्सूल मिलते हैं, टैबलेट्स मिलते हैं, तो उसको खाने से क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों को नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जो नेचुरल ऑरेंज से हमें मिलता है विटामिन सी, और सिंथेटिक जो दुकान में हम लोगों को मिलता है विटामिन सी कैप्सूल, वो दोस्तों नींबू से लिया नहीं जाता है, वो सिंथेटिकली तैयार किया जाता है, लैब मेड विटामिन सी होता है जो ग्लूकोज से तैयार किया जाता है। बात को समझिए, जो नींबू से पाए जाते हैं वो नेचुरल विटामिन सी है, प्राकृतिक विटामिन सी है, और जो आपको मेडिसिन शॉप में विटामिन सी का कैप्सूल मिलेगा वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया है लैब में ग्लूकोज से, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नींबू से विटामिन सी को लेना, ये भी मतलब सबके लिए, मतलब विटामिन सी चलो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको नहीं मिलेगा। पॉलीफेनॉल्स कहां से मिलेगा, कौन से फ्रूट में है ज्यादा से ज्यादा, एंथोसियानिन कौन से फ्रूट में ज्यादा है, ये तो पहला तो चीज है कि हम लोगों को पता नहीं है।
दूसरा चीज है सही प्रोडक्ट या सही फल हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो भी पेस्टिसाइड या केमिकल दिया हुआ। तो इसीलिए कुछ नेचुरली डिराइव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय ह्यूमन कंट्रोल्ड आरएनडी, ह्यूमन मतलब कुछ आदमी मिलके उसको नेचुरली डिराइव करके, मतलब नींबू से या कोई भी चीज से, बेरीज से विटामिन सी को लेके उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो प्रोडक्ट को प्रस्तुत किया जाता है वो नेचुरली डिराइव्ड होता है, कोई सिंथेटिकली नहीं, नेचुरली डिराइव्ड होता है। जैसे हमारे सर्व विटामिन सी जिंक टैबलेट, सर्व टैबलेट, राइट, इसमें भी जो विटामिन सी है वो नींबू से लिया गया है, लेकिन वो रिसर्च एंड खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उसको ठीक ठाक किए हैं, उसको तैयार करके प्रोसेस करके आपको ये प्रोडक्ट दिया, तो इसको फूड सप्लीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में फूड सप्लीमेंट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्यों जरूरी है अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट क्या है, राइट, सो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो दोस्तों व्हाट इज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। फूड सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि आपको फूड दे दिया है, तो बाजार में तो ब्रोकोली मिलते हैं, बाजार में तो पालक की पत्ते मिलते हैं, बाजार में तो गाजर मिलते हैं जिसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा ज्यादा रहता है, तो गाजर खाने से ही आपको बीटा कैरोटीन मिल जाएगा, तो सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है? बिकॉज बाजार में जो गाजर आपको मिलेगा, पहला तो वो इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नहीं है, तो उसमें ऐसे ही थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू कमेगा, घटेगा, और फिर वो खाने से आपको केमिकल या पेस्टिसाइड्स भी अंदर जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक तौर से प्रस्तुत किया गया फूड से ही फूड सप्लीमेंट बनेगा और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट, आपका जो डाइट है, आपको जो न्यूट्रिशन या पोषण चाहिए उसको सप्लीमेंट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, राइट। इसको फूड सप्लीमेंट को हम लोग ऐसे लेते हैं, मतलब एज ए पिल, कैप्सूल, टैबलेट और लिक्विड या ड्रॉप्स या पाउडर्स के रूप में लेते हैं फूड सप्लीमेंट को। अ सप्लीमेंट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू द बॉडी, आपको आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए उसको ही प्रोवाइड करने के लिए सप्लीमेंट को बनाया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड सोर्सेस इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन। फूड सोर्स से मतलब आपके ही खाना से ही उसको बनाया जाता है, सब्जी, फल, पत्ते, फूल, मूल, इससे ही बनाए जाते हैं इंडिविजुअली। जैसे हमारे पास ब्राह्मी के टैबलेट्स है, आमला का टैबलेट्स है, इंडिविजुअल कम्बिनेशन मतलब इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट और कम्बिनेशन, जैसे हमारे पास डाइबोकेयर है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे कंप्लीटो है बहुत सारे हर्ब्स है, तो सिंगल इंग्रेडिएंट या फिर कॉम्बिनेशन वाला इंग्रेडिएंट, ऐसे ही फूड सप्लीमेंट बनते हैं बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द हर्ब्स फ्रॉम वेरियस आयुर्वेदिक टेक्स्ट। आयुर्वेद से ये हर्ब्स के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिला, जैसे अर्जुन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जामुन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, करेला डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, नीम एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है, ये जो सारे इंफॉर्मेशन है ये हमें आयुर्वेदिक किताबों से ही मिला। तो उसको लेके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठ के सारे कम्बिनेशन, सारे इंग्रेडिएंट को कंबाइन करते हुए एक रेशियो बनाते हुए एक एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है बाय ह्यूमन। तो इसीलिए इसको फूड सप्लीमेंट कहा जाता है। इसका उद्देश्य ही है हमारे बॉडी में पोषण की कमी को पूरा करना था, ना कि आपके रोग को ठीक करना। इसमें ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है इसमें कभी भी ये नहीं बोला गया है कि ये इंटेंडेड टू क्योर योर डिजीज, ऐसा बोला गया है क्या? ये आपके डिजीज को क्योर करने के लिए है, डिजीज को ठीक करने के लिए है? नहीं, ये आपके डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए है, आपके पोषण को सप्लीमेंट करने के लिए है। जो पोषण की कमी से आपको ये रोग आया है, या फिर जो पोषक तत्व की कमी से आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा हुआ है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको वो एंटीऑक्सीडेंट्स फूड सप्लीमेंट से मिलेगा, आपको वो न्यूट्रिएंट फूड सप्लीमेंट से मिलेगा,
ताकि आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, न्यूट्रिएंट फुलफिल हो एंड उसी के साथ फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो एंड आप स्वस्थ रहे। डिजीज अपने आप चला जाएगा, डिजीज अपने आप आया है, डिजीज अपने आप चला जाएगा। डिजीज आने का कारण है मतलब घर में चोर आया। अब घर में चोर आया, क्या आप खुद से बुलाया है चोर आओ आओ आओ? नहीं ना। हो सकता है आप उस दिन बैंक से करोड़ों रुपए उठा के घर में रखे हो और ये चोर को पता चल गया। दूसरी बात, उस रात को आपने अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक नहीं किया, या घर में कोई दरवाजा का कुंडा टूटा हुआ है, उस कुंडी को आपने ठीक नहीं किया। हो सकता है कुछ ना कुछ रीजन आप ही बनाए हैं, इसीलिए चोर घर में घुस गया। अगर आप घर में पूरा प्रोटेक्शन रखते, अगर 1 करोड़ रुपए आपके घर में है तो अगर आप कोई प्रोटेक्शन सिक्योरिटी रख देते तो क्या होता, चोर नहीं आ पाता। तो चोर आना बड़ी बात नहीं है, डिजीज आना बड़ी बात नहीं है। डिजीज आ ही सकता है और आएगा ही, ये नेचुरल नियम है। लेकिन आपके शरीर के अंदर अगर वो तत्व है, आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रोटेक्शन है, तो कोई भी डिजीज आपको कुछ नहीं कर पाएगा। जो जैसे आया था वो वैसे ही चला जाएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डिजीज को सही करने के लिए। लेकिन हम लोग जब कस्टमर को बोलते हैं, जब हम लोग कोई पेशेंट को बोलते हैं, तब यही बोलते हैं, दोस्त ये प्रोडक्ट खा लो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट खा लो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट से आपका अर्थराइटिस का दवा है ये। भैया मेरे पेट में ना बहुत गैस बनता है, आपके पास कुछ है? हाँ मेरे पास बहुत अच्छा एक दवा है एसिडिटी केयर, मेरे पास बहुत अच्छा एक दवा है रेड एलोवेरा जूस। रेड एलोवेरा जूस कब से दवा बन गया दोस्त? रेड एलोवेरा जूस इज अ प्योर फूड सप्लीमेंट टू सप्लीमेंट योर डाइट। आपको बहुत ज्यादा परिमाण में फाइबर देगा, आपको बहुत ज्यादा परिमाण में एंटीऑक्सीडेंट देगा, ताकि आपका गैस एसिडिटी ठीक हो जाएगा, आपका पेट सही रहेगा। लेकिन कभी भी रेड एलोवेरा गैस या एसिडिटी कमाने का या घटाने का दवा नहीं है, कभी भी डायबिटीज का दवा नहीं है, डायबिटीज को नहीं दबाता है। क्यों आप दवा बोल रहे हो? डायबिटीज को डायबोकियर या करेला जामुन जूस नहीं दबाता है, बल्कि जो बाहर का जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है डायबिटीज के लिए, वो डायबिटीज को दबाता है, इसीलिए वो दवा है। लेकिन डायबोकियर जो है ये दवा नहीं है, ये ऊपर वाले का दुआ है, क्योंकि उसके अंदर जितने सारे हर्ब्स मिला हुआ है, जितने सारे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी उसके अंदर डाला गया है, ये ऊपर वाले का दुआ है कि उसको लेते हुए हमारे पैनक्रियास सही होगा, हमारे बीटा सेल्स सही होंगे, हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डायबिटीज भी हमारे शरीर के अंदर से चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे हम लोग फूड सप्लीमेंट को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट जो चीज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद एंड फूड सप्लीमेंट। आयुर्वेद की हिस्ट्री तो आप जानते हैं, 5000 साल पुराना आयुर्वेद संस्कृत में, जिसको मतलब वेद में पाए गए हैं, चारों वेद में ही आयुर्वेद का उल्लेख है, स्पेशली अथर्ववेद में, ठीक है। सो उससे एक्सट्रैक्ट किया गया जिसको आयुर्वेद बोला जाता है। लेकिन वेद में चारों जो वेद हैं, वेद में ही सारे सिद्धांत सूत्र लिखे हुए हैं, राइट? 5000 ईयर ओल्ड सुमेरियन क्ले टैबलेट्स, सुमेरिय सभ्यता में जो मिट्टी के टैबलेट्स पाए गए हैं, टैबलेट मतलब वो टैबलेट गोली नहीं, टैबलेट मतलब फलक, वो जो पाए गए उसमें रिकॉर्ड किया गया है, मतलब उसमें लिखा गया है हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटी के बारे में, ठीक है। एन एंशियंट चाइनीज इजिप्शियन पैपिरस राइटिंग्स, इजिप्ट में, चाइना में 3000 बिफोर क्राइस्ट, 3000 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, ये हर्ब्स एंड मेडिसिन फूड सप्लीमेंट के बारे में बात है। द बुक इन इंग्लिश ऑन हर्ब्स वॉज पब्लिश्ड इन 1526, 1526 साल में पहला इंग्लिश बुक जो हर्ब्स के ऊपर पब्लिश हुआ था। तो आप सोचिए दोस्तों, हम लोग कब से, मतलब सालों से, हजार हजार सालों से हम लोग इस सप्लीमेंटेशन या आयुर्वेद के ऊपर जी रहे हैं,
और क्या हम लोग मॉडर्न बन गए हैं, हम लोग अभी कुछ भी हो, सरदर्द हो मेडिसिन शॉप में, भाई सरदर्द हो रहा है कुछ एंटीबायोटिक दे दो, पेट दर्द हो रहा है कुछ एंटीबायोटिक दे दो, बुखार आया है कुछ एंटीबायोटिक दे दो। जितना ज्यादा एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, जितना ज्यादा अंग्रेजी दवाई आप ले रहे हो, उतना मौत के मुंह के तरफ आप जा रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, राइट? सो दोस्तों, अभी समय है आयुर्वेदा एंड फूड सप्लीमेंट को अपनाने के लिए। 19th सेंचुरी में देखिए, फूड सप्लीमेंट की बात अगर आए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट तो पहले नहीं सुना था, फूड सप्लीमेंट तो अभी अभी सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं फूड सप्लीमेंट तो पहले नहीं था ये सब, लेकिन 19th सेंचुरी से ही जितने केमिकल एनालिस्ट हैं वो सारे, मतलब जितने सारे साइंटिस्ट मतलब मेडिसिन को लेके काम कर रहे हैं, वो सारे प्लांट से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉडिफाई करना शुरू कर दिए, एक्सट्रैक्ट करना शुरू, अर्ली 19th सेंचुरी में, राइट? रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड रिलाई ऑन हर्बल मेडिसिन फॉर सम पार्ट ऑफ देयर प्राइमरी हेल्थ केयर। कुछ हिस्सों में तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर है, मतलब वो पहले अंग्रेजी या एलोपैथी दवाई ने, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी दवाई के खिलाफ नहीं हूँ, एलोपैथ या कुछ भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो प्राइमरी दवाई है या प्राइमरी आपका प्रोटेक्शन है वो हर्ब्स होना चाहिए। अगर आपको अचानक से मुझे एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया या फिर कोई घाव हो गया, तो वो दर्द को घटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, वो इन्फेक्शन को कमाने के लिए मुझे एंटीबायोटिक्स चाहिए, इंजेक्शन मुझे देना है इमरजेंसी में, लेकिन मेरा पेट खराब है, मुझे गैस एसिडिटी है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में मैं क्यों वो सारे दवाई लूंगा, हमारे पास इतने सारे हर्ब्स है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 80% लोग दुनिया में जो हर्ब्स के ऊपर या हर्बल मेडिसिन के ऊपर रिलाई करते हैं, विश्वास रखते हैं। इन जर्मनी, जर्मनी में 600 से 700 प्लांट बेस्ड मेडिसिन आर अवेलेबल एंड आर प्रिस्क्राइब्ड बाय 70% ऑफ जर्मन फिजिशियंस। जर्मनी में 70% फिजिशियंस या डॉक्टर्स वो हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और 600 से 700 हर्बल मेडिसिन उधर पाए जाते हैं, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट 20 सालों से जो है ये हर्बल मेडिसिन का और या ऑर्गेनिक रेमिडीज का जो क्रेज है ये बड़ा है। तो आप सोचिए दोस्तों, दुनिया में ये हर्बल मेडिसिन, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, ये तो सिर्फ इंडिया, देखिए दोस्तों दुनिया में ये हर्बल मेडिसिन का अवेयरनेस कितना फैल रहा है। तो अभी हम लोगों को भी हर्बल मेडिसिन या हर्बल सप्लीमेंटेशन, फूड सप्लीमेंट के जो इंफॉर्मेशन है इसको दोस्तों भेजना है, राइट? हाउ इट वर्क्स, फूड सप्लीमेंट कैसे काम करता है? पहला तो जो करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर पहले ही जाके ये एक नेचुरल बैलेंस पैदा करता है। फूड सप्लीमेंट का काम ही है हमारे शरीर के अंदर एक बैलेंसिंग सिचुएशन, बॉडी माइंड सोल ये तीनों का बैलेंसिंग, एंड इसके साथ आयुर्वेद का जो तीन सिद्धांत है, वायु पित्त और कफ, वाता पित्त एंड कफ, ये तीन चीजों का इक्विलिब्रियम या समानता या बैलेंसिंग ये करता है फूड सप्लीमेंट हमारे बॉडी के अंदर। अगर वाता पित्त एंड कफ ये तीनों बैलेंस में आ गए तो दोस्तों सारे जो बीमारी है ये चले जाएंगे। एंड सेकेंडली जो करते हैं, ये हर्ब्स में या फूड सप्लीमेंट्स में जितने सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या हर्ब्स यूज किया जाता है, इसके अंदर एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड ये हमारे सारे मिलके हमारे बॉडी के अंदर एक बेनिफिशियल इफेक्ट पैदा करता है, सेलुलर लेवल में काम करता है, जो दुनिया का कोई भी मेडिसिन नहीं कर पाता। फूड सप्लीमेंट या हर्बल मेडिसिन ये क्या करता है, हमारे सेलुलर सेल में जाके काम करता है, सेलुलर लेवल में काम करता है, राइट? हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जितने सारे टॉक्सिन्स हम लोग लेते हैं वो सारे डिटॉक्सिफाई करता है, एंड इसी के साथ
फ्री रेडिकल डैमेज को या ऑक्सीडेटिव डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, राइट? सो इसके बाद मेडिसिन एंड फूड सप्लीमेंट का डिफरेंस क्या है, ये उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा, बिकॉज हम सभी जानते हैं फूड मेडिसिन का, मेडिसिन सिर्फ ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं, फूड सप्लीमेंट हमारे सेल के ऊपर काम करता है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, फूड सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेडिसिन इम्यून पावर बूस्ट नहीं कर सकता है, फूड सप्लीमेंट कर सकता है। जो भी बाहर का अंग्रेजी मेडिसिन है वो टॉक्सिन को रिमूव नहीं कर सकता है, फूड सप्लीमेंट कर सकता है। 30-60% एक्टिविटी होता है, बिकॉज वो सिंथेटिक होता है, वो नेचुरल केमिकल नहीं है, वो सिंथेटिक केमिकल है, तो इसीलिए 30-60% ही काम करेगा। लेकिन फूड सप्लीमेंट में नेचुरल केमिकल्स है, जैसे विटामिन सी नेचुरली लिया जाता है, पॉलीफेनॉल्स नेचुरली लिया जाता है, तो इसीलिए 100% काम करता है, बिकॉज हमारा बॉडी भी नेचुरल है, राइट? सिंथेटिक एंड कुक्ड 100% नेचुरल एंड रॉ मेडिसिन आर नॉट फूड सप्लीमेंट, बट ऑल फूड सप्लीमेंट एक्ट लाइक फूड बट वर्क लाइक मेडिसिन। फूड सप्लीमेंट खाने की तरह लेना है, लेकिन वो बॉडी में जाके आपका मेडिसिन की तरह ही काम करेगा, बिकॉज डॉक्टर हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन 5000 साल पहले ग्रीस में, उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, आप सभी जानते हैं, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, आपके खाने को ही आपका मेडिसिन बनाइए, या आपका खाना ही आपका मेडिसिन है। सो हम लोग रोजाना जो खाते हैं वो ही हमारे शरीर के लिए सही हो सकता है, अगर हम लोग सही से पोषक तत्व को देखते हुए खाए। तो ये हम नहीं करते हैं या नहीं कर सकते आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो इसीलिए दोस्तों फूड सप्लीमेंट हम लोगों को लेना है। क्या मैं मतलब समझा पा रहा हूं? सो सही है, मतलब इजी हो रहा है आप लोगों के लिए? नया इंफॉर्मेशन कुछ मिला, नया कुछ इंफॉर्मेशन आज मिला आप लोगों को? ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और इसी के साथ हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, क्योंकि सर्वश्री के पास भी ऐसे मिरेक्युलस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो फूड सप्लीमेंट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, एंड जो प्रकृति माता की गोद से लिया गया हर्ब से बनते हैं, जो नेचुरली डिराइव किए गए हुए हर्ब से बनते हैं, हमारे खुद के R&D इसको डिजाइन करते हैं, हम लोग डिजाइन करते हैं, और आपको एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट गिफ्ट कर रहे हैं, आपको एक से बढ़कर हेल्थ केयर प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं जस्ट डिस्कशन करूंगा, उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स आप जानते हैं। लेकिन जो टेक केयर करना चाहते हैं रेगुलर यूज के लिए, आप रेगुलर यूज कर सकते हैं फूड सप्लीमेंट को, तो रेगुलर यूज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट है उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले, प्रोडक्ट्स में घुसने से पहले, दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो रेगुलर यूज वाला प्रोडक्ट है इसको अच्छे से देखिए, एंड ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है, ये कोई सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट नहीं है कि कौन से बीमारी में दे सकते हैं, कौन से चीज के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेंगे तो मुझे ये बेनिफिट होगा, ये जानिए। कौन से बीमारी में देंगे ऐसा नहीं है जो मैं प्रोडक्ट्स आज बोलने जा रहा हूँ, ये सारे जनरल हेल्थ के लिए है एंड प्रोटेक्टिव पार्ट में है। आप वो डायबिटीज में भी ये इसको ऐड कर सकते हैं, आप अर्थराइटिस में भी इसको ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी में इसको ऐड कर सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव एंड सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है, राइट? सो पहला जो प्रोडक्ट है वो है मोरिंगा कैप्सूल, मोरिंगा या साजीना या मूंगा जो भी आप बोलिए, ये इसको हम सभी पहचानते हैं, राइट? सो ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लगभग 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, 21 अमीनो एसिड्स रहते हैं, 49 प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, 11 एसेंशियल विटामिन्स रहते हैं, 85 ट्रेस मिनरल्स रहते हैं जो बहुत ही रेयर है फूड्स में, मतलब फ्रूट्स में, जो फ्रूट में कुछ मिनरल्स आपको मिलेगा, लेकिन मोरिंगा में 85 ट्रेस मिनरल आपको मिलेगा, 42 एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, 4 न्यूट्रल सोर्सेज ऑफ फाइबर्स है, ओमेगा 369 है। एक कैप्सूल आपकी जिंदगी बदल दे सकता है,
बहुत ही पावरफुल एक हेल्दी हेल्थ सप्लीमेंट है मोरिंगा, राइट। इसमें मोरिंगा ओलिफेरा एक्सट्रैक्ट मतलब सजीना या मूंगा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, पहले तो ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम करेगा। एनीमिया को प्रिवेंट कर सकता है बिकॉज इसके अंदर आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। जो एनीमिक पेशेंट्स है वो भी यूज कर सकता है। लीवर को प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज लीवर में ये सजीना या मूंगा का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहा है, ठीक है। आपके बॉडी को इंटरनली क्लीन करेगा, कैंसर से बचा सकता है, स्किन प्रॉब्लम से रिलीव कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा हमारे बॉडी के अंदर। देखिए सामने जनरल हेल्थ केयर के लिए जितने सारे न्यूरल प्रॉब्लम्स हैं इनमें हम लोग यूज कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये हेल्प करता है मोरिंगा, एंड सेक्सुअली फिट रहने के लिए भी हम लोग इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा मोरिंगा, आपके शरीर से फ्री रेडिकल डैमेज ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कंट्रोल करेगा, राइट। सो एक से दो कैप्सूल आप दिन में दो बार लीजिए, सुबह शाम दो बार खाली पेट आप लेते रहिए मोरिंगा। एंड ये 90 कैप्सूल के पैक में आता है, 650 रुपए बाय वन गेट वन में आपको मिलेगा। सो ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है, 650 रुपए खर्चा कीजिए, दो पैकेट पाइए। सो पूरे फैमिली इस्तेमाल कीजिए मोरिंगा कैप्सूल एक एक करके सुबह शाम खाली पेट, ठीक है। सो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट रहेगा आपके जनरल प्रोटेक्शन के लिए। सो मोरिंगा के बाद और एक प्रोडक्ट जो बहुत अभी 10-12 प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो आप क्या 10-12 प्रोडक्ट एक साथ लेंगे? नहीं, कोई भी एक या दो प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे या जो आपके पास अवेलेबल है। फिर एक्टिव डुओ ऐसा एक टैबलेट है जो डबल स्टेम सेल फॉर्मूला से बनते हैं, राइट। सो इसके अंदर अंगूर का एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन एप्पल का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर आर्गन फ्रूट है, इसके अंदर अकाई बेरी है, इसके अंदर ब्लूबेरी है, इसके अंदर आपका मतलब एस्ट्रागिल रेडिक्स होता है, एंजेलिका साइनेंसिस होता है, सो जटामांसी जिसको बोला जाता है ये भी होता है। सो दोस्तों इतना अच्छा एक डबल स्टेम सेल फॉर्मूला में प्रस्तुत किया गया एक्टिव ड्यू टैबलेट, मेनली अंगूर और आपका ग्रीन एप्पल, ठीक है। सो ग्रेप्स एंड ग्रीन एप्पल ये दो मेन इंग्रेडिएंट है एक्टिव ड्यू टैबलेट का। क्या करेगा? बहुत ही अच्छे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिनके स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी दर्द रहता है या फिर डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करता है, पार्किंसन अल्जाइमर आपके नर्वस डिसऑर्डर्स को ठीक रखेगा, लंग डिसऑर्डर को ठीक रखेगा, कैंसर से बचाएगा, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, सेल डैमेज को सही करेगा, टिश्यू डैमेज को सही करेगा। सो एक्टिव डुओ टैबलेट भी हम लोग ले सकते हैं, एक से दो टैबलेट दिन में दो बार हम लोग इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। 15 टैबलेट के पैक में 200 रुपए बाय वन गेट वन में आपको मिलेगा। सो ये भी एक बढ़िया प्रोडक्ट आपके लिए हो सकते हैं, राइट। सर्वाविटेज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे व्हीट ग्रास है, ग्रेप सीड है, अश्वगंधा, तुलसी, कर्कुमिन, मोरिंगा, नीम, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे से बताता है कि प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफाई करेगा हमारे बॉडी को, जनरल हेल्थ एंड एनर्जी हम लोगों को देगा, विटामिंस एंड मिनरल्स जो हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना मिल सकता है अगर हम लोग रोजाना सर्वाविटेज टैबलेट का सेवन किए। हेल्दी स्किन में मदद करेगा, नर्वस डिसऑर्डर में मदद करेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, कफ, कोल्ड एंड फ्लू, ये जो सर्दी की मौसम चल रहा है इसमें फ्लू, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो सर्वाविटेज टैबलेट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रोजाना। एक से दो गोली आप सुबह शाम लेते रहिए, हेल्दी रहेंगे। सो 90 टैबलेट का ये पैक है, 750 रुपए, राइट, और 15 टैबलेट का भी आता है 200 रुपए में। सो कोई भी एक पैक आप ले सकते हैं सर्वाविटेज का, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बनेगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जाएंगे दोस्तों
वन एंड ओनली लाइट प्लस टैबलेट, ये भी रोजाना जनरल इस्तेमाल के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है, राइट? सो अभी तो लाइट प्लस टैबलेट का नया फॉर्मेट आ गया है, सो ये 120 टैबलेट आपको 1500 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, ठीक है? मैंगोस्टीन है, अश्वगंधा है, माका रूट है, एल्डरबेरी, ब्लैक करंट, जिनसेंग, सौचेरी, गैनोडर्मा, शीग्रू, कर्कुमिन, अल्फा अल्फा, आप देखिए दोस्तों कितने, मतलब एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट लाइट प्लस टैबलेट के अंदर है। लाइट प्लस टैबलेट के अंदर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, सो जो देखना चाहते हैं आप यूट्यूब चैनल में जाइए, यूट्यूब चैनल में जाते हुए इसके ऊपर प्रेजेंटेशन आपको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक दिन स्पेशल प्रोग्राम हुआ था वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? सो लाइट प्लस टैबलेट का बेनिफिट बहुत सारे, फ्री रेडिकल को रिमूव कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा सकता है, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज से बचा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, अल्ट्रावायलेट रे से बचाएगा, ठीक है, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है, आपको एक एनर्जी देगा, बहुत भरपूर मात्रा में एनर्जी देगा, ऐसे ऐसे बेनिफिट लाइफ प्लस से आपको मिलेगा। 1 से 2 टैबलेट आपको लेना है सुबह शाम, ठीक है? सो 120 टैबलेट का पैक में आता है, 1500 रुपए दाम है, 1 buy 1 get 1 में। सो इसके बाद जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों, आंवला जूस। आंवला को हम सभी जानते हैं, विटामिन सी, B5, B6, विटामिन ई बहुत ज्यादा परिमाण में है, एंड इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा परिमाण में है, तो आंवला आंवला एक्सट्रैक्ट से बनता है। स्किन एंड हेयर के लिए तो जबरदस्त प्रोडक्ट है आंवला, ठीक है? पेट के लिए एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है आंवला, ये आपके अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त है आंवला। ये जो सर्दी की मौसम चल रहा है, अगर रोजाना हम लोग आंवला लेते रहे तो दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम का चांस कम हो जाएगा, होने का चांस कम हो जाएगा। एंटी कैंसरस इफेक्ट है, फ्लू, फीवर, कोल्ड में राहत देता है, हेल्दी जॉइंट्स को मेंटेन करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को घटाने के लिए मदद करता है, एंड हेयर और स्किन के लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है, बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई भी है, राइट? सो 15 ml हाफ ग्लास पानी में मिक्स करते हुए सुबह शाम आपको लेना है। सो 650 ml के पैक में आता है, 650 रुपए इसका दाम है, 1 buy 1 get 1 में। तो आंवला जूस भी हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों मतलब आप लोग बोर हो रहे हो या फिर अच्छा लग रहा है? कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाएंगे। थैंक यू सभी को। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाएंगे, दैट इज हेल्थ अमृत जूस, जिसको हम लोग प्रोमोट ही नहीं करते, लेकिन इतना एक अच्छा प्रोडक्ट, नाम से ही पता चलता है अमृत जूस, इसको हम प्रमोट ही नहीं करते। कितने लोग है हेल्थ अमृत प्रमोट करते हैं या यूज किया है? इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट, स्पेशली सिलेक्टेड असॉर्टमेंट ऑफ हर्ब्स, एक मतलब 18 ओमनीपोटेंट हर्ब्स से बना हुआ है ये हेल्थ अमृत जूस, जो स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल फॉर्मुलेशन से हम लोगों ने बनाया है, ठीक है? आंवला जूस बिफोर या आफ्टर? बिफोर लीजिए, खाली पेट लीजिए। सो हेल्थ अमृत जूस में साक है, काली मिर्च, शिलाजीत, कलौंजी, नोनी, अदरक, कोकुम या लहसुन, घृत कुमारी, आंवला, अनार, द्राक्षा मतलब अंगूर, चाय पत्र मतलब टी लीव्स, ग्रीन टी लीव्स, तुलसी, अश्वगंधा, तरबूज मतलब वाटरमेलन, ठीक है, पालक, गाजर, इतने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। आप सिर्फ देखिए इसके इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो इतना ज्यादा बेनिफिट आपको देगा ये, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ठीक कर सकता है, हार्ट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ, हमारे नेफ्रोसिस किडनी में, किडनी को सही रख सकता है, आंखों की दृष्टि अच्छा रख सकता है, विजुअल परफॉर्मेंस में अच्छा रख सकता है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करेगा, इरिटेबल बाउल डिजीज
या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मदद करेगा, जो जिनको लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है, जलता है, दर्द होता है, उनको मदद करेगा, मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेगा, एंड मेनोपॉजल सिंड्रोम, जो महिलाएं, माँ बहने, माताएं जो मेनोपॉज स्टेज में आ गए हैं, जिनका मासिक या पीरियड बंद होना शुरू हो गया है, बंद होने का स्टेज में है, तब भी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा फिर तब काम करेगा। 15 ml हाफ ग्लास पानी में मिला के खाली पेट, एक ही नियम है सबके लिए, राइट? सो 500 ml का बॉटल ₹500 में बाय वन गेट वन आपको मिलेगा। सो ये रहा हेल्थ अमृत जूस। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिफला जूस, आमला या आमलकी, हरितकी एंड बहेरा या विविधकी, इससे बनता है ये तीन फ्रूट का कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद में इसको अमृत कहा गया है, 1000 सालों का पुराना ये मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, त्रिफला, आमला, बहेरा एंड हरन, राइट? सो बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा, आर्थराइटिस, गाउट से बचा सकता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, डिटॉक्सिफाई करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा, ओरल हेल्थ को सही रख सकता है, दांत के, मसूड़े के कोई भी प्रॉब्लम, एंड हेयर को स्टिमुलेट कर सकता है। जो लोग हेयर लॉस के लिए शैम्पूज या ऑयल्स यूज कर रहे हैं, आप त्रिफला या आमला भी यूज कर सकते हैं। स्किन को प्रोटेक्ट रखेंगे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बचाएगा, राइट? 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिला के सुबह शाम खाली पेट त्रिफला जूस लीजिए, बहुत ही अच्छा मददगार होगा आपके लिए। 500 ml ₹500 इसका प्राइस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है व्हीट ग्रास जूस, ये भी एक बढ़िया जनरल हेल्थ टॉनिक है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, B6, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स व्हीट ग्रास के अंदर हम लोगों को मिलता है, ठीक है? सो अभी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, व्हीट ग्रास है, आमला है, गिलॉय है। सो दोस्तों, व्हीट ग्रास भी बहुत ही अच्छा काम करता है वेट लॉस के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए, जो प्लेटलेट घट जाता है डेंगू या मलेरिया में, उसको भी बढ़ाने के लिए ये जो व्हीट ग्रास है ये काम करेगा, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है व्हीट ग्रास, क्योंकि टोटली क्लोरोफिल का जो शक्ति है, या मतलब जो क्लोरोफिल, क्योंकि व्हीट ग्रास हरा होता है, तो क्लोरोफिल का पूरा शक्ति आपको इसमें भी मिलेगा, राइट? ट्यूमर से बचाता है, कैंसर का बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास। सो रेगुलर इस्तेमाल से हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे, डिटॉक्सिफाइड रहेंगे। 15 ml जूस हाफ ग्लास पानी में मिला के आपको लेना है सुबह शाम खाली पेट, राइट? सो 650 ml का प्रोडक्ट ₹650 में बाय वन गेट वन। नेक्स्ट 16-berry जूस। सो 16-berry जूस भी दोस्तों 16 प्रकार के बेरी से बने हैं, एंड बेरीज मतलब विटामिन सी ठूस ठूस के हैं, अकाई बेरी, ब्लू बेरी, रस बेरी, क्रैन बेरी, ब्लैक बेरी, गूस बेरी, बिल बेरी, गोजी बेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 16 टाइप के बेरी है। सो एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में है, मतलब ये सारे जनरल प्रोडक्ट्स है ना, तो इसका मेन दो ही काम है, एक तो आपको न्यूट्रलाइज करेगा बॉडी में फ्री रेडिकल को, सेल डैमेज से बचाएगा, आपके शरीर से टॉक्सिन को निकालेगा, एंड उसी के साथ जो भी पिगमेंटेशन में काम करेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे पिगमेंटेशन के लिए, तो 16-berry जूस हम लोग दे सकते हैं उसको अंदरूनी हिस्से से, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, नींद अच्छा रखेगा, जो इंसोमिया पेशेंट्स है 16-berry से नींद को अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, कैंसर सेल से फाइट करेगा, राइट? 15 ml सुबह शाम खाली पेट हाफ ग्लास पानी में मिक्स करते हुए लेना है। 850 ml का प्रोडक्ट है, ₹1000 इसका भाव है, बाय वन गेट वन आपको मिलता रहेगा 16-berry जूस, राइट? एंड इसके बाद नन अदर देन एडवांस एस पल्स ऑल इन वन जूस। हम सभी जानते हैं दोस्तों, एस पल्स सर्वश्री का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है, सर्वश्री को दर्शाने वाला प्रोडक्ट है एस पल्स।
इतना बेहतरीन एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मैं क्या कहूं। अकाई बेरी, बनाना, ग्रीन एप्पल, पाइन एप्पल, जिनसेंग, शिलाजीत, सिनेमन मतलब दालचीनी, लौंग, बीट रूट, सी बकथ्रॉन, पोमग्रेनेट या अनार, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जैसे कीस इंग्रेडिएंट से इस पल्स बनता है। सो दोस्तों, कितना सारा बेनिफिट इस पल्स का आपको मिलेगा, आपके सेल को प्रोटेक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा फ्री रेडिकल को, डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके डायबिटीज में मदद करेगा, लीवर प्रॉब्लम में मदद करेगा, किडनी में मदद करेगा, हार्ट प्रॉब्लम में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करेगा, सेलुलर कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए मदद करेगा, इन्फ्लेमेशन या जॉइंट पेन को घटाने के लिए मदद करेगा, स्किन हेयर प्रॉब्लम में मदद करेगा। बहुत बहुत ज्यादा इसका एक मतलब बेनिफिट है एंड रियली इट्स अ सुपर प्रोडक्ट, मतलब ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ सर्वश्री। लॉट्स आते हैं, लॉट्स खाली हो जाते हैं, दो दिन में गोडाउन खाली हो जाता है इस पल्स का, इतना ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। 15 ml सुबह शाम ले सकते हैं आप इस पल्स को, खाली पेट भरा पेट कोई बात नहीं है क्योंकि फ्रूट जूस है, सो खाली पेट लेने से अच्छा होगा। तो ये 1 liter के पैक में आता है, 2500 इसका भाव है, सॉरी इधर 2550 रुपए इसका भाव है, एंड ये प्रोडक्ट बाय वन गेट वन में आपको मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट इस पल्स है। अगर इस पल्स के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो सारे प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और जो व्यक्ति कह रहे थे कि प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जाइए अपने काम पे, शाम को या रात को आप यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिएगा और आज के इस प्रोग्राम का आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने वो मौका आप लोगों को दे दिया है कि आप लोग घर बैठे इस प्रोग्राम को जब चाहे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप देखिए यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। इसके बाद हम लोग ग्रीन टी को देखेंगे, ग्रीन टी टैबलेट, जो प्रोडक्ट हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ग्रीन टी टैबलेट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ग्रीन टी में ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव होता है, ये मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हमें बचाता है, कैंसर से हमें बचाता है, फैट बर्न में मदद करता है, वेट लॉस में मदद करता है ग्रीन टी, राइट। तो सारे टी छोड़िए, दिन में एक बार ये एक कप पानी लीजिए, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, उसमें एक टैबलेट दे दीजिए, शक्कर के बिना आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी है और टैबलेट फॉर्म में टी है तो बनाने के लिए भी बहुत सुविधा है। 7 tablet के पैक में आता है, 600 rupees इसका MRP है, बाय वन गेट वन में आपको ग्रीन टी मिलेगा। इसी के साथ लेमन टी भी आपको मिलेगा, जो लेमन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को रिफ्रेश करता है लेमन, राइट। सो सिर्फ लेमन टी में लेमन ही नहीं है, इसके साथ मोरिंगा भी है, जिंजर भी है, काली मिर्च भी है, दालचीनी भी है। सो आप सोचिए एक एक प्रोडक्ट जो भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देगा आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर को कैसे प्रोटेक्टेड रखेगा ये लेमन टी टैबलेट्स। बनाने का प्रोसेस वही है, एक कप लिक्विड वाटर में एक लेमन टी का टैबलेट दीजिए, बिना शक्कर के, बिना दूध के मिला के आप ले लीजिए, ठीक है। 7 tablet का दाम है, 600 rupees बाय वन गेट वन। सो सर्वश्री सर्वविटा सिरप, ये भी मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल प्रोडक्ट है एंड इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, एसलाइसिन, विटामिन ए, ई, B1, B2, B6, B12, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, आयोडीन, जिंक आपको मिलेगा। तो इसके साथ मतलब ये प्रोडक्ट को लेते हुए, सर्वश्री सर्वविटा सिरप को लेते हुए बहुत सारे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल हमारे शरीर के अंदर जाएगा एंड उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर जाएगा, तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा, फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करेगा एंड एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स को शरीर में प्रोवाइड करेगा। तो 90% डिजीज हमारे शरीर से जा सकता है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दैट इज सर्वश्री सर्व विटा सिरप। 15 ml लेना है दिन में दो बार, 200 ml का आता है, 200 rupees में बाय वन गेट वन, राइट। एंड पंच तुलसी ड्रॉप भी आता है सर्वश्री के अंदर एंड उसी के साथ
तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप भी आता है सर्वश्री में, मिलता है आपको। सो ये जो तुलसी का जो दो प्रोडक्ट है, पंच तुलसी ड्रॉप 30 ml 210 रुपए, तुलसी करक्यूमिन 30 ml 350 रुपए। सो तुलसी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल तो है ही, उसी के साथ करक्यूमिन भी मिला हुआ है, सो ये और भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल बन जाता है, एंटीफंगल भी है। तुलसी का बहुत सारा मतलब बेनिफिट्स है, तो इसको अगर डिटेल्स में आपको जानना है आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल में नजर उठाइए, नजर घुमाइए, आपको मिल जाएगा एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकर, राइट। आज सिर्फ मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कौन सा प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्व प्योर ड्रॉप जो हमारे पानी को अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट करता है, एंड 8 से 9 pH का जो पानी है अल्कलाइनिटी का, वो द बेस्ट पानी है, बेस्ट वाटर है इनटेक करने के लिए, बिकॉज वो पानी जो भी हम सारा दिन खाते हैं इंक्लूडिंग आवर वाटर, जो भी हम खाते हैं वो सारे हमारे बॉडी को टॉक्सिक ही बनाते हैं, बॉडी को एसिडिक ही बनाते हैं। तो बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो अल्कलाइन हम हमारे बॉडी के अंदर देना चाहिए। तो क्या देते हैं हम लोग, वैसा खाना कुछ भी नहीं खाते, अल्कलाइन फूड। तो एक ग्लास पानी में आप 1 to 2 drops, मतलब 1 से 2-3 drops आप एक ग्लास पानी में ले लीजिए और फिर उसको पीजिए नॉर्मल पानी की तरह। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर सारे जो क्षार है या अल्कलाइनिटी है वो पहुंचेगा और आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी लेवल बैलेंस होने लगेंगे, मेंटेन होने लगेंगे, एंड 95% ऑफ डिजीजेस विल गो आउट, बिकॉज जब भी हमारा शरीर अल्कलाइन होता रहेगा या बैलेंस होता रहेगा, शरीर से फ्री रेडिकल डैमेज होना बंद हो जाएगा, बिकॉज फ्री रेडिकल ज्यादा से ज्यादा बॉडी एसिडिक होने से पैदा होता है, राइट। सो जब बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा तब वो एसिडिटी मिट जाएगा, तब फ्री रेडिकल होना भी बंद हो जाएगा, हमारा बॉडी 90 से 95% तक डिजीज फ्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके पास सर्वश्री के जनरल प्रोडक्ट्स, एंड जो मैं आज पहले कहा था कि फूड सप्लीमेंट के बारे में, व्हाट इज फूड सप्लीमेंट, कैसे हम लोग फूड सप्लीमेंट को ले सकते हैं, एंड फूड सप्लीमेंट को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में 2-3 चीज, ये जो भी जनरल चीज मैंने, जनरल प्रोडक्ट्स मैंने बताया, इसके बाद 2-3 चीज मैं बोलना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, जितने सारे लोग अभी उपस्थित हैं कान खोल के सुन लीजिए, जो 2-3 चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं फूड सप्लीमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट। पहले चीज, फूड सप्लीमेंट जब लेना है वन पीरियड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 products, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 products फूड सप्लीमेंट का लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, राइट। अगर घर में भी माँ ने बहुत कुछ बनाया है तो ज्यादा ज्यादा डिशेस आप नहीं खा सकते हो, आप 3-4-5 dishes इज एनफ फॉर अस, आप 10-12-15 dishes एक साथ नहीं खा सकते हो, है ना, उससे खाना उचित भी नहीं है, गुरुपाक हो जाता है। इसी तरह 3 से 4 products मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी को देंगे या खुद भी लेंगे, पहला टिप। सेकेंड टिप्स है, एक मतलब क्या मैं बोलू, कंटिन्यूअली एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं है। अगर जनरल बात कर रहा हो, जनरल ये जो जनरल प्रोडक्ट मैंने बताया, तो आप सोचा कि मैं तो अभी हेल्दी हूं तो मैं चलिए मैं इस्पल्स खाना शुरू करता हूं, तो इस्पल्स आप 1 साल से 2 साल से इस्पल्स ही लेते रहे हो, आप 1 साल से 2 साल से तुलसी ही लेते जा रहे हो, आप 1 साल से 2 साल से व्हीटग्रास ही लेते जा रहे हो, ऐसा करना उचित नहीं है, तब प्रोडक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा बॉडी के अंदर। 3 महीना करके एक एक प्रोडक्ट आप, 3 months मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने एस्पल्स लिया, फिर मार्च अप्रैल मई मैंने व्हीटग्रास लिया, फिर जून जुलाई अगस्त मैंने क्लोरोफिल लिया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर मैंने गार्लिक लिया, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मैं कोई भी मोरिंगा लिया,
फिर हो सकता है मार्च अप्रैल मैं फिर से स्पल्स ले सकता हूं, लेकिन 3 महीने करके एक प्रोडक्ट जनरली चलाना चाहिए, जनरल वे में 3 या 4 महीना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मैं समझा पा रहा हूं? अगर कोई डिजीज्ड आदमी है, अगर कोई पेशेंट है जिसको आपने प्रोडक्ट दिया है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, अभी उसको ये मत बोलिए कि 3 महीना चलाना है, उसको वो प्रोडक्ट जितना देर तक ना वो सही हो रहा है तब तक वो चलेगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट में से, ये जनरल प्रोडक्ट में से कोई भी एक दो प्रोडक्ट दे दीजिए कि ये आप 3 महीना चलाइए, फिर चेंज करके देंगे। अगर कोई सेगमेंट या डिजीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट ले रहा है तब उसको बोलिए मिनिमम 6 महीना आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिनिमम 6 मंथ्स। ये जो 3 महीने का बात है ये मैं जनरल प्रोडक्ट यूजर को बता रहा हूं, जनरल प्रोडक्ट यूजर को, राइट? समझ गए? अभी 3 महीना करते करते साल में 1 महीना या 2 महीना आप प्रोडक्ट को पूरा स्टॉप कर दीजिए, मतलब आपको प्रोडक्ट लेना नहीं है, फूड सप्लीमेंट आपको लेना नहीं है, 1 महीना आप प्रोडक्ट को स्टॉप कर दीजिए, फिर आप प्रोडक्ट को लेना शुरू कीजिए। ये मैं बोलने जा रहा हूं मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के बारे में नहीं, ये मैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है पूर्णिमा जी या पुष्पा जी? सो जो मैं कह रहा था, कुछ दिन गैप भी देना चाहिए, एक लगातार प्रोडक्ट जनरल हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। एंड माइंड इट दोस्तों, ये प्रोडक्ट लेने के लिए कंडीशन है, कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट खुद भी ले रहे हैं या आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलिए जितना पानी आप फूड सप्लीमेंट लेने से पहले पीते थे, फूड सप्लीमेंट इंटेक करने के बाद 1/2 लीटर पानी आप बढ़ा दीजिए। अगर आप 2 लीटर पानी पीते थे तो फूड सप्लीमेंट लेने के बाद हर दिन फूड सप्लीमेंट, पूरा दिन की बात बोल रहा हूं, आपको पूरा दिन में 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी पीना है, अगर आप 2 लीटर ले रहे थे। अगर आप 4 लीटर ले रहे थे तो आपको 4.5 लीटर पानी पीना है। आपको 3 लीटर ले रहे थे तो अभी से आपको 3.5 से 4 लीटर पानी लेना है। और सर्दी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी आपको लेना है, बिकॉज पानी के कमी अगर बॉडी में हो गया तो फूड सप्लीमेंट काम करना बंद कर देगा। हाइड्रेशन अगर कम हो गया बॉडी के अंदर तो फूड सप्लीमेंट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये हाइड्रोथेरेपी के ऊपर भी काम करता है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट लेने के बाद जो लोग पहली बार ले रहा है, स्पेशली लेने के बाद 3 से 4 दिन बाद उनको ज्यादा से ज्यादा लैट्रिन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, फीवर आ सकती है, रैश निकल सकता है, चक्कर आ सकती है। इसको साइड इफेक्ट नहीं किया जाता है, कहा जाता है, इसको बोला जाता है हीलिंग क्राइसिस। क्या बोला जाता है? हीलिंग क्राइसिस, साइड इफेक्ट नहीं है, हीलिंग क्राइसिस। किसी को हो सकता है, मतलब उनके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करने का जो प्रोसेस है, उनके बॉडी में फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होने का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है, तब उनको ये प्रॉब्लम्स होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको जो चीज करना है, अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है या कस्टमर आपको बोलता है कि भाई तुमने क्या प्रोडक्ट दिया, ये खाने से मेरा लूज मोशन शुरू हो गया, ये खाने से मेरा रैश निकल गया, ये खाने से मेरा बुखार आ गया, ये खाने से मेरा सर घूमने लगा, ऐसा बोलता है ना बहुत सारे लोग, तो हम लोग डर जाते हैं या फिर हम लोग घबरा जाते हैं। घबराने का नहीं है, उनको बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब वो घबरा जाएगा, वो बोलेगा अरे मैं एक कंप्लेन कर रहा हूं और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, बात क्या है? लेकिन आपको ऐसे ही बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये फूड सप्लीमेंट आपके बॉडी में काम करना शुरू कर दिया, देखिए आपके बॉडी से टॉक्सिन निकलना शुरू हो गया। अब बोलिए टॉक्सिन कहां से निकलेगा? मुंह से तो नहीं निकल सकता, क्योंकि मुंह से घुसता है और पिछवाड़े से निकलता है, तो लूज मोशन होना ही है ना, टॉक्सिन निकलना है, ठीक है। फीवर आ सकता है, बिकॉज अंदर में बहुत युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है आपके अंदर में, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो बॉडी थोड़ा सा टेम्पर कर सकता है। तब क्या करना है? उनको बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, घबराने का नहीं है, आपके बॉडी से टॉक्सिन निकल रहे, आप सिर्फ कीजिए एक दिन के लिए फूड सप्लीमेंट को बंद कीजिए, जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिया है उसको टोटली बंद कीजिए,
और आधा घंटा बाद बाद एक ग्लास पानी पीते रहिए, आधा घंटा बाद बाद एक ग्लास पानी। इसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, मतलब आपने उसके बॉडी के ऊपर पानी का दबाव दे दिया, पानी का प्रेशर दे दिया, तो जितना सारा टॉक्सिन लूज हुआ सारा पानी से, मूत्र से, पैखाने से, पसीने से वो निकल जाएगा। फिर दूसरे दिन, अगले दिन से फिर जो सप्लीमेंट ले रहा था वैसे ही लेता रहेगा तो उसको ठीक हो जाएगा, वो हीलिंग क्राइसिस और नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और भी याद रखना है, फूड सप्लीमेंट फ्रूट से बनते हैं, वेजिटेबल से बनते हैं। सारे वेजिटेबल या सारे फ्रूट सभी को सूट नहीं करते, किसी किसी को एलर्जिक कंडीशन भी होते हैं। अब आप किसी को एस्पल्स दिए, उसको दाना निकल गया, बहुत ज्यादा दाना निकल गया, ठीक है, तो आपने सोचा हीलिंग क्राइसिस है, चलो भाई एक दिन बंद करो पानी पियो, हुआ फिर से आपने दिया, फिर से दाना निकल गया। जब एस्पल्स बंद कर देता है दाना बंद हो जाता है। आपको समझना है एस्पल्स में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जिससे उसको एलर्जी है, सो एस्पल्स उनके लिए नहीं है, ये आपको समझना होगा। ये प्रोडक्ट की गलती नहीं है, ये प्रोडक्ट खराब है ऐसा नहीं है, ये किसी किसी को फूड एलर्जी हो सकती है तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको भी समझ में होगा, ठीक है, समझ गया, समझ में आया, ठीक है। एंड ऐसे ही फूड सप्लीमेंट और भी सवाल आते हैं कि कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ फूड सप्लीमेंट ले सकता है या नहीं, ले सकता है या नहीं, नहीं लेना ही है। डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है, डायबिटीज की मेडिसिन को बंद करके फूड सप्लीमेंट मत दीजिए। डायबिटीज का मेडिसिन चलता रहेगा, फूड सप्लीमेंट भी चलता रहेगा, ठीक है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल, ग्लूकोज का लेवल कमता रहेगा, घटता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वो मेडिसिन को बंद करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा फूड सप्लीमेंट भी बंद होगा। कोई भी मेडिसिन को बंद मत कीजिए, वो चलते रहे उसके साथ फूड सप्लीमेंट भी चलता रहेगा, ठीक है। ये भी सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सो ऐसे ऐसे आप प्रमोट कीजिए। आज का सेशन लंबा हुआ बिकॉज आज फूड सप्लीमेंट के बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया, टोटल एक कंप्लीट सेशन हुआ। जो लोग नहीं रहे अभी तक, कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं देखूंगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, बिकॉज यूट्यूब में हम लोग वीडियो को दे रहे हैं, आप कभी भी वो वीडियो को देख सकते हैं। आधा करूंगा आधा बाद में करूंगा ऐसा नहीं होता है, डेढ़ घंटा इतना ज्यादा समय भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम के बारे में आज मैं नहीं बोलूंगा, आपका सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज इसके बारे में ऑलरेडी, ये जो जॉइंट के बारे में, बेली के बारे में, पेट के बारे में, गैस एसिडिटी के बारे में आप सवाल पूछ रहे हो, इसके बारे में यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, आप वीडियो को देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फालतू में ये आंसर देते हुए टाइम मैं ज्यादा खींच नहीं सकता। आज के टॉपिक के बारे में अगर कोई सवाल आया है मैं देख लेता हूँ। आई से वाटर आता है तो ये इसके आई के बारे में भी बहुत अच्छा सुंदर सा सेशन है। सर्वश्री हर्ब्स चैनल का नाम सर्वश्री हर्ब्स ही है, तो यूट्यूब चैनल है, इसमें जाइए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोरिंगा कैप्सूल एंड स्पिरुलिना कैप्सूल एक साथ ले सकते हैं क्या? क्यों ले रहे हैं मोरिंगा कैप्सूल और स्पिरुलिना कैप्सूल? क्योंकि मोरिंगा में भी आयरन बहुत ज्यादा है, स्पिरुलिना में भी आयरन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी उचित नहीं है। फूड सप्लीमेंट कोई हार्म नहीं करेगा, फूड सप्लीमेंट मतलब 100% सेफ है ऐसा भी नहीं है दोस्त। फूड सप्लीमेंट में भी आपको हार्मफुल हो सकता है, फूड सप्लीमेंट भी आपका नुकसान कर सकते हैं, सो इसीलिए आपको सोच समझ के लेना होगा। मोरिंगा एंड स्पिरुलिना बोथ आर ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट, तो आप क्यों ले रहे हो? आप कोई एक लीजिए, बिकॉज स्पिरुलिना में भी आपको मिनरल्स मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, मोरिंगा में भी मिल रहे हैं, तो बोथ आर सेम प्रोडक्ट, मतलब ऑलमोस्ट सेम उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू। मोरिंगा भी हाई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना भी हाई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट है, दोनों लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक लीजिए दूसरा कोई लीजिए, ठीक है। थैंक यू अनिल सैम जी,
आप देख रहे हैं एंड इट्स माय प्लेजर कि आप समझ पा रहे हो हिंदी भी. ठीक, थैंक यू सो मच. सो अल्कलाइन ड्रॉप सभी को दे सकते हैं. हाँ, सभी को दे सकते हैं. अल्कलाइन ड्रॉप तो सभी को इस्तेमाल करना चाहिए. आप एक काम कीजिए, सुबह जो जो पानी का बॉटल हम लोग पीते हैं, मतलब भर के रखते हैं घर में, उसमें ही एक लीटर में आप 10-12 बूंद अल्कलाइन ड्रॉप डाल दीजिए, डाल के रख दीजिए, फिर वही पानी आप हर दिन पीजिए. अल्कलाइन ड्रॉप से उतना अल्कलाइनिटी नहीं बढ़ेगा, वो हमारे बॉडी के लिए या डेली यूजेबल के लिए सही रहेगा. ठीक है, सो एक लीटर में 10-12 बूंद आप डाल के पीजिए तो अच्छा रहेगा. बच्चों को भी दीजिए, कोई बात नहीं है. ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और माफी चाहता हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, तो क्योंकि पूरा कवर करना था. अगले मंडे का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा. अगले मंडे एनीमिया के ऊपर या लो हीमोग्लोबिन के ऊपर, एनीमिक कंडीशन के ऊपर चर्चा होगा, बहुत डिटेल्स में साइंटिफिकली ट्रेनिंग्स होंगे. और आप लोग आज शाम को भी जुड़े रहिए, बिकॉज शाम को आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्नो प्रोग्राम है जो अनुषा मैडम कंडक्ट करेंगी, और हेल्थ केयर प्रोग्राम कल सुबह 8 बजे रिद्धि मैम का है. सो ये भी आप देखते रहिए, सर्वश्री के साथ जुड़े रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री. थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतनी देर तक सहन करने के लिए, मुझे टॉलरेट करने के लिए. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.